प्रत्याशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। पिंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। The controversial words being associated with me or being attributed to me, I reject entirely, both for being wrong on facts and being wrong on intent. As far as I'm concerned, our politics is far from even the suggested accusation that it is there. कायमगंज के चिलाका में सपा की बैठक में हुई बयानबाजी पहुंची राष्ट्रीय स्तर पर। खुद प्रधानमंत्री ने भरी सभा में चिलाका की बयानबाजी का किया जिक्र। मारिया आलम के बयान को सपाइयों ने बताया निजी। मुस्लिम समाज में भी सपा नेत्री को लेकर रोष। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपद फर्रुखाबाद का कभी राष्ट्रीय स्तर पर नाम नहीं सुना गया, परंतु सपा नेत्री मारिया आलम ने बेतुकी बयानबाजी कर राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम के साथ जनपद का नाम भी फेमस कर दिया। आपको बताते चलें कि मारिया आलम पूर्व विधायक स्वर्गीय इजहार आलम खां की पुत्री हैं, जिन्हें राजनीतिक स्तर पर उनके क्षेत्र में भी कोई नहीं पहचानता, परंतु आज वह मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम लिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सपा नेत्री मारिया आलम, जो पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी भी लगती हैं, ने बीते 28 अप्रैल को शाम 6 बजे कायमगंज के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र चिलाका में सपा प्रत्याशी के समर्थन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सपा नेत्री मारिया आलम ने भरे मंच से कहा, के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना। जिसके दूसरे दिन समाचार पत्र बा यूट्यूब चैनल यानी सोशल मीडिया के माध्यम से बेतुके बयान की जानकारी प्रशासनिक अमले को हुई, जिसको गहनता से लेते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सपा नेत्री पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। और मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात सपाइयों का कहना है कि ये उनका निजी बयान है। आपको बताते चलें कि मुद्दाहीन भाजपा को सपा नेत्री ने मुद्दा दे दिया और फिर क्या, भाजपा ने विपक्ष को घेरने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया की, तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता कर मामले को हवा दी। इतना ही नहीं, अब तो प्रधानमंत्री भी अपनी सभाओं में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है, हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है।
मोक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी एससी ओबीसी सब सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। आज समझ सकते हैं कि इंडी गठबंधन के इरादे कितने। आपको बताते चलें कि एक समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार शहर के मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि जिहाद एक पवित्र शब्द है, इसका राजनीतिक इस्तेमाल करना गलत है। समाचार पत्र में ये भी बताया गया है कि इस कार्यक्रम की जानकारी उड़नदस्ता को नहीं थी। दूसरे दिन खबरों के आधार पर वोट जिहाद संबंधी भाषण की जानकारी हुई और समाचार पत्र व सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शहर में अब ये चर्चा है कि सपा के कुछ नेता भीतर घात कर सपा की फिजा खराब कर भाजपा का सहयोग कर रहे हैं और भाजपाई सपा नेत्री मारिया आलम के कंधे का इस्तेमाल कर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि ये बयान कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं दिया बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दल के नेता ने दिया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की राजनीति हम नहीं करते। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर बताया। The controversial words being associated with me or being attributed to me, I reject entirely, both for being wrong on facts and being wrong on intent. As far as I'm concerned, our politics is far from even the suggested accusation that is being made. Certainly, my presence at an alliance gathering where both parties were there does not attribute to me or to my party anything that might have been expressed by our partner party. This is to be absolutely clear. We've never believed in politics of the kind that's being suggested. We reject it entirely. Indeed, if anything, this is the very, very poison that they are complaining of. And yet they are spreading that very poison.